केलों को अच्छे से धो लेते हैं और जो इसका आगे का पोर्शन है उसे भी यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने तीनों जो केले मैंने लिए थे कच्चे उनको छील लिया है। अब इसके कर लेते हैं हम थोड़े मोटे मोटे पीस। इस तरह से और साथ के साथ इन्हें पानी में डाल देते हैं ताकि ये काले ना पड़े। जो केलों को थोड़ा सा मोटा मोटा काट के पानी में डाल दिया है। कच्चे केले में आयरन बहुत होता है, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ काफ़ी काले काले से हो गए हैं, तो बच्चों को अवश्य खिलाएं। और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। इन दिनों जरूर खानी चाहिए, अगर बच्चे खा रहे हैं तो जो तेज़ मिर्च ना हो तो मोटी वाली मिर्च ज़रूर यूज़ करें। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और हल्का सा ठंडा कर लिया है। थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी सी डाल रहे हैं करी प्याज, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हरी मिर्च और प्याज को। कटे हुए जो केले के पीस हैं वो डाल देते हैं इसमें हम और उसको हल्का सा पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, चाट मसाला, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें, इसमें स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लेते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको छोटी सी भूख लगी है तो आप चाय लस्सी के साथ इसको बना सकते हैं और आप इसे सूखी सब्जी के तौर पर खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा दे देते हैं ताकि अच्छे से ये गल जाए। ये देखिए ये अच्छे से गल गए हैं और अब डाल देते हैं इसमें हम हल्की सी खटाई बहुत थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि बहुत थोड़ी सी ही है सब्ज़ी और इसको एक दो दिन फ्राई करते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे चाय के साथ या खाने में ले सकते हैं। गैस को कर देते हैं बंद और कढ़ाई से निकाल लेते हैं। चाय के साथ ये वाले जो केले के चिप्स हैं वह बनाएं।